सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ लेक। सो चलते हैं। और रूम तो आप मेरा देख ही हैं। आज फिर से आज थोड़ा मौसम सही है तो मैं मौसम दिखा दे रही हूँ। का व्यू तो देख ही सकते हैं आप। मौसम अच्छा है लेकिन कोई भरोसा नहीं है, बाहर निकलेंगे बारिश भी हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज़ें मुझे ये लाइटिंग यहाँ की बहुत अच्छी लगी है, जो मेरे रूम की है ये काफ़ी प्यारी है। ऊटी लेक पहुंच गए हैं और यहां से एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद यहां से आपको टिकट जो कि 15 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट्स के लिए है। सो हम लोग यहां से टिकट्स लिए हैं, अंदर काउंटर है वहां जाने के बाद। सो पहले टिकट्स लेंगे उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। तो गाइज हम लोग अंदर एंट्री कर लिए और लेक साइड के पास आप देख सकते हैं झूले वगैरह का भी है, वहाँ पे झूले भी हैं ताकि आप वहाँ पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी बाहर बहुत सारे शॉप्स वगैरह भी थे, सो अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये है पार्किंग एरिया, यहाँ से अब हम लोग अंदर एंट्री ले चुके हैं। ये बोट हाउस के अंदर की भी पार्किंग, दो दो पार्किंग एरिया, एक तो आपको बोट हाउस से बाहर भी है और एक बोट हाउस के अंदर भी पार्किंग है। सो ये है, अब यहाँ से हमें एंट्रेंस टिकट लेंगे जो कि अंदर जाने के लिए है, बिल्कुल आपको जो आप अंदर एंजॉय करेंगे वो सब कुछ के लिए। तो हम जैसे अंदर एंट्री किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है आई लव ऊटी का। और उसके बाद हम पहले सारा व्यू लिए कि क्या करना है हमें, कौन सी राइड करनी है, क्या करना है, सब कुछ पहले देखे। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग पैडल राइडिंग करेंगे, बिकॉज हम लोग बोट हाउस और बोट राइडिंग ये सब तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सो हम लोग डिसाइड किए, तो वहाँ पे जो चार्जेस थे पैडल राइडिंग के चार्जेस 300 थे। तो आपसे स्टार्टिंग में 600 लेंगे, 300 आपका रिटर्न हो जाएगा। और ये जो व्यू देख रहे हैं ये आपका जो मूवी साजन मूवी है वो शूटिंग हुआ था, तो मैं आपको साजन मूवी का व्यू दिखा रही हूँ। सो यहीं पे साजन मूवी शूट किया गया था। साजन दिल ये दो मूवी जो है वो आपका ओटी लेक में ही शूटिंग हुआ था। सो ये फर्स्ट आपका साजन मूवी का व्यू था और उसके बाद फिर मैं आपको दिल मूवी का भी दिखाऊंगी। यहाँ से पैडल राइडिंग का काउंटर है जहाँ से आप टिकट्स लेंगे, तो यहाँ से हम लोग टिकट्स लिए। तो पर पर्सन आपका 300 था जो कि आपका मतलब एक बोट का था, तो अगर आप उस बोट में आप दो लोग जा सकते हैं, तो कपल्स या आप दो जो भी हैं आप जा सकते हैं। तो 300 में हम लोगों का था, आई थिंक हमें 15 मिनट का मिला था। और 15 मिनट के बाद आप अगर वो एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो जो 300 आपका रिटर्न था वो आपको रिटर्न नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोगों ने ना 15 मिनट्स में ही राइड्स कंप्लीट कर लिए। सो चलिए, और यहाँ पे हम लोग सेफ्टी जैकेट भी पहन के रेडी हो चुके हैं राइड के लिए। तो अब हम राइडिंग अपना स्टार्ट करते हैं। सो आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए।
मतलब खुद ही तुम उधर चलो। आज हम लोग का राइड कंप्लीट हो गया और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं और ये व्यू देख रहे हैं, यहीं पे दिल मूवी की शूटिंग हुई थी। तो मैं आपको दिल मूवी का भी शूटिंग लोकेशन वहाँ पे आपको व्यू जो है वो सेट कर दे रही हूँ। राइड करने के बाद अब हम लोग यहाँ से बाहर निकले, चाय वगैरह यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको स्नैक्स वगैरह हैं सब कुछ, तो आप खा भी सकते हैं यहाँ से चाय वगैरह के लिए, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था। तो अब हम वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये आपका बाहर का व्यू है, जो कि लेक के आसपास के जो जगह है वहाँ का व्यू है, तो इंजॉय कीजिए। के पास की 70 सिनेमा भी है। यहाँ पे बच्चे अगर आते हैं तो वो एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, अब हमारा ओटी लेक भी खत्म हो चुका है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल। सो आप देख सकते हैं काफी एंजॉय किया हम लोग यहाँ पे, ज़्यादा सूट नहीं कर पाई बिकॉज सूट करने के चक्कर में एंजॉय नहीं हो पाता, तो जितना कर सके उतना मैंने किया है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं होटल के पास ही प्लांट्स सीट्स भी हैं जो आप अपने यहाँ लेके जा सकते हैं सीट्स को, तो अगर आपको ले जाना होगा तो आ सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए ये आपको घुड़सवारी वगैरह भी करनी है, हॉर्स राइडिंग, तो ये आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको होटल के पास ही मिलेगा, तो चलते हैं। सो गाइज, अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अब हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, और यहाँ आज हम लोग का लास्ट डे ओटी में है, तो यहाँ से हम लोग चेकआउट भी करेंगे। तो अब यहाँ से हम रेडी हो गए और एक बार आपको पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ इस होटल का। तो
निकल पड़े हैं डोडाबेटा, जो कि सुबह सुबह का व्यू आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है। चारों तरफ हरियाली और हल्का हल्का सा फॉग, सो बहुत अच्छा लग रहा है। सो और वहाँ जाने के बाद तो और ही अच्छा था। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अब देखिए पूरा डोडाबेटा, जो कि सबसे हाईएस्ट है यहाँ कर्नाटका। फाइनली हम लोग पहुंच गए डोडाबेटा और ये देख रहे हैं आप वहाँ का व्यू, जो कि इतना ठंडा था और इतना ज़्यादा फॉग था कि बिल्कुल सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अंदर। तो अंदर काफ़ी ही क्लाउडेड था, बिकॉज संडे तो नहीं था, पर फिर भी बहुत ज़्यादा क्लाउड था वहाँ पर। सो हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हम लोग अपने हाईएस्ट पे पहुंच गए हैं, जहां हमें और आप ये देख सकते हैं पूरा उसका व्यू, और इसका अच्छा खासा व्यू तो आपको पीछे मिलेगा इसके बैक साइड पे। सो हम लोग वहां जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। सो गाइज, आप व्यू तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। तो पूरा आप ओवरऑल व्यू देखिए, फॉग की वजह से कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, बट आप देखिए। और यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे, तो ये है आपका क्यूब। सो इसके अंदर हम लोग जाएंगे यहाँ से, और यह आपका हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको। यहाँ से पूरा कुन्नूर का ओटी का पूरा व्यू दिखेगा। तो फॉग की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है, बट हम लोग जब तक थे वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था, तो उसके बाद भी मैंने इसमें ऐड किया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना फॉग है और बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन सारे यहाँ पे घर और जो थे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था कुछ देर के बाद।
काफ़ी इंजॉय किए, बहुत सारे व्यूज वगैरह भी क्लिक कराए। सो काफ़ी खूबसूरत था, और जब यहाँ आए और जो ठंडी ठंडी मौसम मिले, तो मतलब अगर आप गर्मियों में है ना छुट्टी आप जाना चाहते हैं समर वेकेशन में, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऊटी जाइए। ऊटी काफ़ी खूबसूरत जगह है उसके अंदर, और हर किसी के लिए व्यू देखते हैं। अब ये देख सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, काफ़ी अच्छा। यहाँ से पूरा आपको कोनोर का पूरा व्यू दिखेगा, सबसे हाईएस्ट है डोडा व्यू। और इतनी कोलिंग में भी आप देखो यहाँ के लोग सब हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये कैथी वैली का आपको पूरा व्यू दिख रहा है। आप ये चलते हैं अब इसके अंदर। सो गाइज, बस यहाँ पे आपको सिर्फ व्यू पॉइंट ही देखने को मिलेगा और कुछ है नहीं यहाँ पे। सो जो भी है मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ, यहाँ से आप केवल व्यू देख सकते हैं। गाइज, हम लोग फाइनली यहाँ से भी इंजॉय करके अब निकल रहे हैं, और ये वीडियो को मैं एंड लूँगी अब यहाँ से। सो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द आएगा, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। सो आप इंजॉय कीजिए।